हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का करेंट अफेयर मॉक की क्लास में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनवरी मंथ से सेकेंड मॉक टेस्ट, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल कीप प्रैक्टिसिंग 2.0 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, और हमसे जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप की प्रैक्टिसिंग को भी ज्वाइन करें। आज का पहला क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। तो TEPC के चेयरमैन कौन चुने गए हैं? तो इसके चेयरमैन है बने हैं संदीप अग्रवाल जी। ये हैं संदीप अग्रवाल जी, ये बने हैं TEPC के नए चेयरमैन। और ये TEPC का हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा? तो आपको दिल्ली में मिलेगा इसका हेडक्वार्टर। विच कंट्री हैज स्टॉप द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021? तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में किस कंट्री ने टॉप किया है? तो ये जापान ने टॉप किया है, और यहाँ पे इंडिया की रैंकिंग है 85 रैंक। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली एंड प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया? तो ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है SY कुरैशी ने लिखी है। ये रहा फ्रंट बुक का, द पॉपुलेशन ऑफ मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। नेम द इंडियाज फर्स्ट एवर इंडिजीनियसली डेवलप 9 mm मशीन पिस्टल बाय द DRDO एंड इंडियन आर्मी। तो DRDO और इंडियन आर्मी द्वारा डेवलप किया गया है, पहली स्वदेशी विकसित किया गया है 9 mm मशीन पिस्टल, उसका नाम क्या है? इसका नाम है अश्मि। ये डेवलप किया है DRDO और इंडियन आर्मी ने साथ में मिलकर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द इम्पावर्ड कमेटी फॉर्म्ड बाई सेंटर टू एडमिनिस्ट्रेट द COVID-19 वैक्सीन? तो सेंटर ने अपॉइंट किया है जो इम्पावर्ड करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को COVID-19 वैक्सीन के लिए। तो ये चुने गए हैं RS शर्मा, ये रही उनकी तस्वीर। तो RS शर्मा बने हैं सेंटर द्वारा एक कमेटी जो बनाई गई है उसके हेड। When was पराक्रम दिवस ऑब्जर्व इन इंडिया? भारत में पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 जनवरी को मनाया जाता है। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जयंती पर मनाया जा रहा है पराक्रम दिवस। कैरोलिना मारिन वन योनेक्स थाईलैंड कप इज एसोसिएट विथ विच स्पोर्ट? तो कैरोलिना मारिन ने योनेक्स थाईलैंड कप जीता है, वो किस फील्ड से बिलोंग करती हैं, किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं? तो ये बिलोंग करती हैं बैडमिंटन से, और इन्होंने योनेक्स थाईलैंड कप जीता है, इसे आप जरूर याद रखें। RBI हैज फॉर्म्ड ए वर्किंग ग्रुप टू स्टडी डिजिटल लेंडिंग एक्टिविटी टू स्टॉप द ग्रोइंग फ्रॉड इन द सेक्टर, हु विल हेड दिस कमिटी? तो RBI ने एक कमेटी बनाई है जो देखेगी डिजिटल तौर पे जो फ्रॉड हो रहे हैं उसे कैसे रोका जाए, और इस कमेटी के हेड बनाए गए हैं आपके जयंत कुमार दास जी, ये इस कमेटी को हेड करेंगे। IRDAI हैज कंस्टिट्यूटेड एन एक्सपर्ट पैनल टू एग्जामिन द अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट इन द कंट्री, हु इज द हेड ऑफ दिस कमिटी? तो IRDAI ने एक कमिटी बनाई है जो देखेगी कि इंडिया में जो भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है वो कैसे हैं, मतलब उनकी क्या प्रभाव है। तो इस कमिटी के हेड कौन बने हैं? तो इस कमिटी के हेड बने हैं सुभाष चंद्र खुनुतिया। और IRDAI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये हैदराबाद में आपको मिलेगा। द बुक टाइटल मेकिंग ए जनरल ए हिमालया इको इज मेमोर ऑफ विच इंडियन आर्मी ऑफिसर? तो मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालयन इको इस बुक
के लेखक कौन है? इस बुक के लेखक हैं आपके कोशाम हिमालया सिंह। ये बुक की फ्रंट पेज है, फ्रंट है ये बुक का, आप इसे देख लें ताकि आपको भी याद हो जाए। इसे कोशाम हिमालया सिंह ने लिखा है। हु हैज बीन गिवेन द एडिशनल चार्ज ऑफ आयुष मिनिस्ट्री? तो आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है किरण रिजिजू को, जो पहले से ही स्पोर्ट मिनिस्ट्री संभाल रहे थे, अब वो आयुष मिनिस्ट्री भी संभालेंगे। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड ए एग्रीमेंट ऑफ कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी विथ विच कंट्री? तो अभी एग्रीमेंट को अप्रूव किया है, सोलर एनर्जी किसके साथ भारत करेगी? तो ये एग्रीमेंट किया गया उज्बेकिस्तान के साथ सोलर एनर्जी के लिए। टेस्ला हैज रजिस्टर्ड इट्स फर्स्ट फुल्ली ओन सब्सिडरी इन विच सिटी ऑफ इंडिया? तो टेस्ला ने अपना ऑफिस खोला है, और ये किस सिटी में खोला है? तो ये बेंगलोर में खोला है। ये टेस्ला के ओनर हैं इलोन मस्क। विच स्टेट रिसेंटली ऑर्गेनाइज इट्स फर्स्ट एवर बर्ड फेस्टिवल कालरो एट द नागी नकटी बर्ड सेंचुरी? तो कालरो को आयोजित किया गया है नागी नकटी बर्ड सेंचुरी में। ये किस स्टेट से बिलोंग करता है फेस्टिवल? ये बिलोंग करता है आपके बिहार से, और नीतीश कुमार जी ने इनोग्रेट किया है इसको। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, पक्षी यदि संग है तो जीवन में रंग है। आप भी इसे देख याद रखें कि पक्षी यदि संग है तो जीवन में रंग है। ये 15 से 17 जनवरी तक चला था। ये किस बर्ड सेंचुरी में चला था? तो ये आप देख सकते हैं नागी नकटी बर्ड सेंचुरी, जो कि जमुई में है। सदीर जाफरोव किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? तो ये किस कंट्री के हैं सदीर जाफरोव? तो ये कजाकिस्तान के नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं। इंडिया फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम टू सेटअप इन विच सिटी, विच स्टेट? तो ये केरला में इसे सेटअप किया गया है, द फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम को। द इनॉग्रल 2 डे प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट हैज बीन ऑर्गेनाइज इन विच सिटी? तो प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है न्यू दिल्ली में, आयोजित किया गया है प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट। इंस्टा एफएक्स मोबाइल ऐप लॉन्च बाय विच बैंक? तो इंस्टा एफएक्स मोबाइल ऐप किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आईसीआईसी बैंक ने इंस्टा एफएक्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रिसेंटली लॉन्च स्टार्टअप इंडिया सीड फंड, व्हाट इज द टोटल साइज ऑफ द फंड? तो नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड लॉन्च किया है, तो इन्होंने 1,000 करोड़ इसे दिया है स्टार्टअप इंडिया फंड को, सीड फंड को। विच मिनिस्ट्री हैज ऑर्गेनाइज द मंथ लॉन्ग मास अवेयरनेस कैंपेन टाइटल सक्षम? तो सक्षम कैंपेन जो लॉन्च किया गया है वो किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये किसके अंडर आता है? तो ये धर्मेंद्र प्रधान जी के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। विच बैंक हैज पार्टनर विथ आदित्य बिरला अवेयरनेस प्राइवेट लिमिटेड टू लॉन्च वेलनेस थीम्ड क्रेडिट कार्ड? तो ये वेलनेस थीम्ड क्रेडिट कार्ड
आदित्य बिरला और किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है, मिलकर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये यस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है, वेलनेस थीम क्रेडिट कार्ड। तो शाली नेशनल क्राफ्ट मेला बिलोंग टू विच स्टेट? तो तोशाली राष्ट्रीय शिल्प मेला किस राज्य से संबंधित है? तो ये उड़ीसा से संबंधित है, तोशाली नेशनल क्राफ्ट मेला। श्रम शक्ति पोर्टल हैज लॉन्च बाय विच विच मिनिस्ट्री? तो इसे लॉन्च किया है अर्जुन मुंडा जी ने, जो कि ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री संभालते हैं। श्रम शक्ति पोर्टल लॉन्च किया अर्जुन मुंडा जी ने। ऑपरेशन सर्द हवा लॉन्च बाई विच फोर्स? तो ये ऑपरेशन सर्द हवा किसने लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया है BSF ने, स्पेशल राजस्थान के लिए लॉन्च किया है इन्होंने, क्योंकि बॉर्डर इलाके में अगर आप जाते हो तो उधर काफी सारा फॉग दिख रहता है, तो इन्होंने उधर मतलब एक सर्टेन जोन के लिए इन्होंने लॉन्च किया गया है ऑपरेशन सर्द हवा। नेशनल हैंड राइटिंग डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे? तो किस दिन मनाया जाता है नेशनल हस्ताक्षर दिवस, हस्तलेखन दिवस? ये 23 जनवरी को मनाया जाता है, 23 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल हैंड राइटिंग डे। नेम द न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल फॉर 2021। तो ह्यूमन राइट काउंसिल में किसे अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट के तौर पे? तो ये नजहत समीन खान बनी है यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल के प्रेसिडेंट। योवेरी मुशवेनी हैज वन द सिक्स टर्म एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री आफ्टर विनिंग द 2021 प्रेसिडेंट इलेक्शन? तो विच योवेरी मुशवेनी जिन्हें राष्ट्रपति चुनाव 6ठी बार जीता है, वो किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये युगांडा के हैं, ये 6ठी बार युगांडा के राष्ट्रपति बनेंगे यशवेरी मुशवेनी जी, और युगांडा के कैपिटल है कंपाला और करेंसी है युगांडा शिलिंग। द इनॉग्रल एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया जन सरकार विंटर स्पोर्ट यूथ फेस्टिवल 2021 हैज बीन ऑर्गेनाइज इन विच प्लेस? तो ये कहाँ पे खेलो इंडिया जन सरकार विंटर स्पोर्ट फेस्टिवल कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है? तो ये लद्दाख में ऑर्गेनाइज किया गया है। नेशनल टूरिज्म डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे? तो ये 25 जनवरी को पर्यटन दिवस मनाया जाता है, इंडियन पर्यटन दिवस। द पद्म अवार्ड विनर उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान हैज पास्ड अवे, ही वॉज ऑनर्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू विच फील्ड? तो पद्म पुरस्कार जीतने वाले उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान जी का निधन हो गया, वो किस फील्ड में इन्होंने योगदान दिया है? तो ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में इन्होंने योगदान दिया था। नेशनल वोटर डे ऑब्जर्व ऑन विच डे? तो ये 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल वोटर डे के तौर पे, और इसकी थीम है मेकिंग आवर वोटर इम्पावर विजिलेंट सेफ एंड इन्फॉर्म्ड, ये इसकी थीम है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे? तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। कमल मोरका हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली रिलेटेड टू विच फील्ड? तो किस फील्ड से बिलोंग करते थे? ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड थे कलम मोर का।
नेम द जू विच हैज रिसेंटली रीनेम बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट आफ्टर बाला साहेब ठाकरे। तो कौन सा जू है जिसे महाराष्ट्र सरकार ने उसका नाम बदल के बाला साहेब ठाकरे नाम दिया है? तो ये गोरवाड़ा इंटरनेशनल जू है, देख सकते हैं इस जू का नाम बदल के बाला साहेब ठाकरे नाम दिया गया है। विश्ववीर आहूजा हैज रिसेंटली री अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक? तो विश्व आहूजा जी को हाल ही में एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, वो किस बैंक के एमडी एंड सीईओ बनाए गए हैं? तो ये आरबीएल बैंक के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में चुने गए हैं विश्ववीर आहूजा जी। विच गवर्नमेंट हैड लॉन्च उद्यम सारथी ऐप फॉर यूथ? तो उद्यम सारथी ऐप किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? तो ये यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। द थीम ऑफ इंटरनेशनल कस्टम डे 2021, तो आपको बताना है इंटरनेशनल कस्टम डे का थीम क्या होता है। ये मैंने आपको एक क्लास में आप मैंने स्टैटिक की क्लास में आपको बता चुका हूँ। तो 2021 इंटरनेशनल कस्टम डे जो 26 जनवरी को मनाया जाता है, इसकी थीम है कस्टम ब्लस्टरिंग रिकवरी रिनोवल एंड रेजिलेंस, ये इसकी थीम है। विच स्टेट टॉप द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 रिलीज बाय नीति आयोग रिसेंटली मेजर स्टेट कैटेगरी? तो तीन स्टेट कैटेगरी के तौर पे था नीति आयोग ने बांटा था सारे स्टेट टू यूटी को, तो ये किसने जीता है? तो इंडिया इनोवेशंस है, तो ये देखें ये सारी स्टेट की लिस्ट है नीति आयोग ने। तो शीर्ष पे थे कर्नाटका मेजर स्टेट्स के रूप में, यहाँ पे कर्नाटका ने पहला रैंक हासिल किया, और दूसरे पे हैं महाराष्ट्र। और आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट हिल स्टेशन के रूप में हिमाचल प्रदेश टॉप पर है, और यूटी एंड सिटी स्टेट के रूप में दिल्ली। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज रिसेंटली साइन इंप्लीमेंटिंग एग्रीमेंट ऑन सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट एंड कॉपरेशन विथ विच कंट्री ड्यूरिंग द डिफेंस मिनिस्ट्री डायलॉग्स बिटवीन द टू नेशन? तो राजनाथ सिंह ने किन दो देशों के बीच वार्ता करके पनडुब्बी बचाव सहायता संयोग समझौता पे हस्ताक्षर किया है? तो सिंगापुर के साथ इन्होंने पनडुब्बी बचाव अभियान में इन्होंने हस्ताक्षर किया है, एग्रीमेंट किया है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड? तो ये लिखा है वाहन शुभ प्रभु ने बुक मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड। नेम द स्टेट हैज टॉप द इंडिया इनोवेटिव इनोवेशन इंडेक्स 2021 अंडर द नॉर्थ ईस्ट हिल स्टेशन कैटेगरी? तो हिमाचल प्रदेश ने यहाँ पे जीता है, ये लिस्ट मैंने पहले ही दिखा दी है, और यहाँ पे दिल्ली, तो इसमें तो दिल्ली ने ही जीता है। इनोवेशन इंडेक्स यूटी की बात हो रही है तो यहाँ पे दिल्ली ने जीता है, इसका करेक्ट आंसर होगा दिल्ली। इंडिया सिक्योर रैंक इन ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021। तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंकिंग क्या थी?
आप देख सकते हैं 7th रैंकिंग है इंडिया की, और जो फर्स्ट कंट्री है मोजाम्बिक, ये टॉप पर है आप देख सकते हैं, और इंडिया की रैंकिंग 7th है। द इंडियन एयरफोर्स हैज ऑर्गेनाइज द एक्स डिजर्ट नाइट 2021 विथ द नेव्स ऑफ विच कंट्री। तो भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ, नौसेना के साथ एक्स डिजर्ट नाइट 2021 का आयोजित किया है? ये फ्रांस के साथ इन्होंने एक्सरसाइज किया है एक्स डिजर्ट नाइट 21। सिद्धांत मोहंती हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच कंपनी। सिद्धांत मोहंती को हाल ही में किस कंपनी का एमडी चुना गया है? तो इनको एलआईसी का एमडी चुना गया है अभी हाल ही में। नेम द सेफ पे गेटवे लॉन्च बाय एयरटेल पेमेंट बैंक एज एन एडिशनल सेफ्टी फीचर फॉर इट्स यूजर ट्रांजेक्टिंग थ्रू यूपीआई और अदर ऑनलाइन मोड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम ऑनलाइन फ्रॉड। तो एयरटेल पेमेंट बैंक द्वारा एक सेफ्टी यूपीआई या अदर ऑनलाइन प्रोटेक्ट को प्रोटेक्ट फ्रॉड से बचाने के लिए एक सेफ्टी फीचर डाला गया है उनके ऐप में। और ये देखिए, ये ऐप है, अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके बाद ये आपके ऐप पर ऐसा साइन आएगा। अब अगर आप इसे, ये यहाँ पे रेड रहेगा, अगर आपको यस करना है कि हाँ मुझे ये ट्रांजेक्शन करना है, फिर आप इसको ऐसे स्वाइप करेंगे तो ये पेड हो जाएगा। तो ये सेफ्टी फीचर है जो एयरटेल ने अपने ऐप में यूपी या अदर ऑनलाइन पेमेंट मोड के लिए इसे फीचर को ऐड किया है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो न्यू आर्मी स्टाफ के वाइस चीफ किसे बनाया गया है? तो ये बने सीपी मोहंती। सीपी मोहंती को आर्मी चीफ, वाइस आर्मी चीफ बनाया गया है। विच बैंक हैज लॉन्च द ऑरा क्रेडिट कार्ड लोडेड विथ हेल्थ एंड वेलनेस बेनिफिट। तो ऑरा क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है, किस बैंक ने? तो ये एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है। ये बेसिकली वेलनेस बेनिफिट हेल्थ से रिलेटेड है, ये क्रेडिट कार्ड हेल्थ से रिलेटेड है जो एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है। अब इसका देखिए, वेलकम भाउचर है 750 रुपये का, इसमें आपको 4 पर मंथ मिलेगा। 4 डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं, वर्कआउट आप कर सकते हैं 4 मंथ में, इंटरेक्शन मतलब आप 4 बार जा सकते हैं ऑनलाइन सेशन के लिए मंथ में। तो ऐसे ही इन्होंने फीचर लॉन्च किए हैं एक्सिस बैंक का ऑरा क्रेडिट कार्ड, ये एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है। बिकम द इंडिया फर्स्ट टेलीकॉम कंपनी ऑपरेटर ऑपरेट 5G नेटवर्क। तो भारत का 5G नेटवर्क चलाने वाला कौन सा कंपनी बन गया है? तो ये एयरटेल बना है इंडिया का फर्स्ट टेलीकॉम कंपनी जिसने 5G ऑपरेट किया है। इंडिया सिक्योर रैंक इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 सॉरी, इंडिया सिक्योर रैंक इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020। तो भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो ये 86 रैंक है इंडिया की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में, और यहाँ पे न्यूजीलैंड टॉप किया है आप देख सकते हैं, 181 कंट्रियों का हुआ है, 181 कंट्रियों का हुआ है जिसमें न्यूजीलैंड टॉप पर है और इंडिया 86 रैंक हासिल किया है इसमें। विच अमंग दिस बैंक इज नॉट इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक लिस्ट ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई ने किन बैंकों को, किस बैंक को
नहीं इंक्लूड किया है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकल इंपॉर्टेंट बैंक में। तो ये फ्रेमवर्क रहता है आरबीआई का, जिससे वो चुनती है कि कौन से हमें डोमेस्टिक सिस्टमेटिकल इंपॉर्टेंट बैंक हैं आरबीआई के हिसाब से। तो पीएनबी को नहीं चुना गया है, लेकिन इसमें चुना गया है एसबीआई को, एचडीएफसी बैंक को और आईसीआईसी बैंक को, इन तीनों बैंक को चुना गया है। नरेन चंचाल हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली ही रिनाउंड, तो वो किस नरेंद्र चंचाल का निधन हो गया, वो एक प्रसिद्ध क्या थे, तो एक भजन सिंगर थे वो नरेंद्र चंचाल। विच टीम हैज वन 2021 नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी ऑर्गेनाइज बाई आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तो ये किस टीम ने जीता है नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप, तो ये इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस चीफ है आईटीबीपी ने जीता है इस नेशनल चैंपियन ट्रॉफी को, नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020, तो इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है, तो इंडिया की रैंकिंग 7th है इसमें। मे बी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि मोजम्बिक फर्स्ट रिक्स पर था और 7th पर इंडिया था, मे बी ये रिपीटेड क्वेश्चन है। विच स्टेट हैज लॉन्च द स्कीम पंख अभियान फॉर गर्ल एम्पावरमेंट, तो किस किस स्टेट ने लॉन्च किया है पंख अभियान बालिका को सशक्तिकरण करने के लिए, एम्पावरमेंट करने के लिए, तो मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया लड़कियों के लिए पंख अभियान योजना। आप देख सकते हैं प्रोटेक्शन अवेयरनेस न्यूट्रिशन नॉलेज और हेल्थ, पंख का फुल फॉर्म क्या है, तो ये पंख का फुल फॉर्म है, शिवराज सिंह चौहान जी ने लॉन्च किया है पंख अभियान। प्रशांत डोहरा हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएट विथ विच स्पोर्ट, तो प्रशांत डोहरा जी का निधन हो गया, तो वो किस खेल से संबंधित थे, तो वो फुटबॉल से संबंधित थे। जेके सिवान हैज बीन नेम्ड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ विच बैंक, तो जेके सिवान जी को किस बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में चुना गया है, तो ये धनलक्ष्मी बैंक के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में जेके सिवान को चुना गया है। हु अमंग दिस इज नॉट द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो इनमें से आपको बताना है कि कौन से एसबीआई के एमडी नहीं है, तो ये काफी सिंपल सा है आप लोगों के लिए आंसर होगा, क्योंकि आप देख ही रहे हैं फर्स्ट नेम कौन है, तो दिनेश कुमार खरा जी जो कि चेयरमैन है एसबीआई के, और बाकी लोग एमडी हैं, ये अपने अलग अलग डिपार्टमेंट के एमडी हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज बाय लॉरी इंस्टीट्यूट रिसेंटली, तो लॉरी इंस्टीट्यूट द्वारा लॉन्च किया गया है कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है, तो 86 इंडिया की रैंकिंग है इसमें, इसमें भी न्यूजीलैंड ने टॉप किया है और इंडिया इसमें 86 रैंक हासिल किया है। द मोबाइल ऐप कृषि सखा हैज बीन लॉन्च बाय विच इंश्योरेंस फर्म, तो किस बीमा फर्म द्वारा मोबाइल ऐप कृषि सखा लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस द्वारा कृषि शाखा ऐप। आरबीआई कैंसिल लाइसेंस ऑफ शिवम सरन
बैंक बिलोंग टू विच स्टेट? तो आरबीआई ने शिवम सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, वो किस स्टेट से बिलोंग करता है? तो ये महाराष्ट्र से बिलोंग करता है। अभी लास्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि एक और बैंक का जो महाराष्ट्र से ही बिलोंग करता है, उसकी भी लाइसेंस आरबीआई ने कैंसिल की है। तो आप लोग जरूर ये सब याद रखें, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हु इज द करेंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया? तो भारत के करेंटली अभी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? तो ये कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी हैं, भारत के करंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी वन बाई विच स्टेट? तो सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी किस राज्य ने जीता है? ये जीता है तमिलनाडु ने। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंक्ड ईयर ऑफ एनवायरमेंट पार्टनरशिप विथ विच कंट्री फॉर द ईयर 2021? तो पर्यावरण वर्ष के लिए ये किस देश के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? तो इन्होंने फ्रांस फ्रांस के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है इन्वायरमेंट को डेवलप करने के लिए, कि कैसे हम क्लाइमेट चेंज या ग्रीन एनर्जी को, ये सब कैसे हम और इम्प्रूव करें। तो इन्होंने फ्रांस के साथ किया है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज हेल्थ इंडेक्स? तो इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? तो टोटल 11 कंट्री थे जिसमें इंडिया को हासिल हुआ है 10वां रैंकिंग, 10th रैंक पर इंडिया है इसमें। टोटल 11 कंट्री थे जिसमें इंडिया 10th रैंक हासिल कर रहा है। हु अमंग दिस हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ आयुष्मान भारत? तो सीईओ के रूप में आयुष्मान भारत के किसे चुना गया है? तो आर एस शर्मा जी को चुना गया है, और ये बोल रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करो सब लोग। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एशिया क्रिकेट काउंसिल? तो एसीसी के नए प्रेसिडेंट किसे चुना गया है? तो जय शाह को चुना गया है, और जय शाह आईसीसी के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव भी चुने गए हैं। कुल्लू नाटी नृत्य इज ए फेमस फोक डांस ऑफ विच स्टेट? तो कुल्लू नाटी किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ये हिमाचल प्रदेश की लोक नृत्य है। बलपक्रम नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? तो बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये मेघालय में स्थित है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड लोकेटेड? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड लोकेशंस का हेडक्वार्टर। थैंक यू गाइस, ये टॉप 70 क्वेश्चन थे। ये आज जनवरी मंथ का आपका खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में 5 मंथ का मॉक करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक करना। मैं देख रहा हूँ कितने लाइक होते हैं, आप लाइक जितना करोगे उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो लाइक ज़रूर करना अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।